ना कौनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग है नजरिया से होला, उमरिया के रोग है नजरिया से होला। समझे ना पौनी तोहर असली रादा, रूपवा के जाल में धरा गई नी दादा। जब आपको खेसारी के साथ काम करने का मौका मिलता है, क्या चलता है सबसे पहले जहन में, क्या दिमाग में आता है? खेसारी जी के साथ बहुत लॉन्ग टाइम बाद हम लोग ये गाना किए वैक्सीन नया साल का। पवन जी का एक चीज है कि अगर आप सामने से बोलोगे तो ही बोलेंगे वो। मेरे नजरिए से देखा जाए तो पवन सिंह बहुत अच्छे हैं, बहुत नॉटी हैं आप। खुद ही भोजपुरी के होके खुद ही भोजपुरी को बदनाम कर रहे हो, तो भैया काम क्यों कर रहे हो भाई, तुम मत करो ना काम भोजपुरी में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं धर्म दुबे। कोरोना को मारने के लिए, उसे खत्म करने के लिए इस देश में वैक्सीन आई हो या नहीं या कब आएगी, अभी कह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में वैक्सीन आ चुकी है। वैक्सीन देखिए हमारे साथ ही बैठी है। नमस्ते डिंपल सिंह। डिंपल सिंह हमारे साथ है जी। हम आपको बताएं कि वैक्सीन नाम का इनका एक सॉन्ग आया है जिसमें भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ आप हैं जी। काम आई आपकी वैक्सीन? नहीं, वैक्सीन का तो बस उसमें ऐसे ही नाम लिया था, वैक्सीन वैक्सीन नया साल का, लेकिन मस्ती मजाक वाला सॉन्ग है हम लोग ने किया है, और खेसारी जी उसमें कह रहे हैं कि मतलब हरे रामा हरे कृष्णा से हम स्टार्ट करेंगे नया साल, लेकिन मैं कह रही हूँ कि नहीं, पार्टी बियर से होगा और चिकन लाओ ये लाओ वो लाओ, तो यही है बस। अच्छा, तो बियर और चिकन आपको बहुत पसंद है? नहीं, हमें नहीं पसंद है, मतलब उस गाने गाने के मुताबिक कि हाँ मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, कह रहे नहीं ये सब कुछ नहीं, तुम्हें बस अट जाम करना है और हरे रामा हरे कृष्णा से नया साल का स्वागत करना है राम के नाम से। राम के नाम से ये जितना अच्छा हस्ती हैं, जितनी खूबसूरत इनकी स्माइल है, उतनी ही अच्छे बातें करती हैं और उतनी ही अच्छी सिंगर भी हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि पवन सिंह, खेसारी लाल यादव सहित तमाम बड़े वो एक्टर जो भोजपुरी में कार्यरत हैं, उनके साथ आपने काम कर ही लिया। हाँ, ज़्यादातर सभी के साथ कर लिया। सभी के साथ नहीं किया मैंने, पवन जी के साथ लॉकडाउन में मैंने किया था सॉन्ग, चूंकि काफी हिट रहा, विवादित भी रहा। विवादित भी रहा, कौन सा सॉन्ग? मीठा मीठा बतेगा मुझे, जो कि वर्ल्ड वाइड से आया था। और खेसारी जी के साथ बहुत लॉन्ग टाइम बाद हम लोग ये गाना किए वैक्सीन नया साल का। कल्लू जी के साथ भी है, और भी कई सारे सिंगर्स हैं जिसके साथ है, समर सिंह के साथ है, बस चाहते स्टार लोग के साथ नहीं है। मैंने प्रोग्राम बहुत सारे किया है सिंगिंग का, मनोज जी हो गए, रवि जी हो गए, इन लोगों के साथ मैंने दिल्ली में किया है प्रोग्राम। दिल्ली में प्रोग्राम किया है? हाँ, मैंने किया है सिंगिंग का, छठवर्ड का प्रोग्राम अगर नहीं आता था, लेकिन छठ का प्रोग्राम आ ही जाता था मेरा मनोज जी के साथ, तो मजा आता था करने में। अच्छा, आप इतनी अच्छा गाती हैं, तो एक्टिंग डेब्यू कब मानकर चलें कि एज ए हीरोइन भी आप उतर रही हैं किसी फिल्म में? मैंने किया है एज ए हीरोइन, पिक्चर्स किए हैं 2-3, बट वो रिलीज नहीं हुआ है अभी तक, रिलीज नहीं हुआ है। अच्छा, तो मतलब हमारे लिए तो आप डेब्यू नहीं किए? हाँ, अभी तक नहीं। हाँ, जब तक वो आएगा नहीं तब तक डेब्यू तो नहीं। ऐसा क्या किया जी कि रिलीज ही नहीं हुई फिल्म? रिलीज का क्या था कि हम जनवरी में किए थे और आपका लॉकडाउन मार्च में हो गया था, तो ना उसकी डबिंग हुई है ना ही एडिटिंग हुआ है, तो ये सी। अच्छा, कितनी गाने अब तक आपने कर लिए होंगे? मैंने अपना गाया है या गाया हुआ बहुत सारा है। 2015 से मैं सिंगिंग ही स्टार्ट की हूँ, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं सिंगिंग नहीं, मुझे एक्टिंग करना चाहिए, तो डांस वांस, फिर एक्टिंग करना, फिर मुझे लगा नहीं 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 मुझे सिंगिंग ही करना चाहिए। तो लोग समझता है कि मैं मतलब डांस ही करती हूँ और एक्टिंग ही करती हूँ, सिंगिंग नहीं करती हूँ, लेकिन शुरुआत मेरा सिंगिंग से ही हुआ है। ओके, तो मुझे लगता है कि जब सिंगिंग से, गायकी से आपकी शुरुआत हुई हो, तो क्यों ना फिर एक दो लाइन आपने जो आपके दिल के करीब जो गाना हो, दो लाइन जरा सा सुना दीजिए भैया, सब हैं इंतजार कर रहे हैं तमाम दर्शक, आपके चाहते आपके फैन। कौन सा गाना सुनेंगे हम? जो आपके दिल के करीब नहीं है, जो आपके दिल के करीब है आपका ही गाना। अभी मेरा नया साल का गाना आया था, बाबू नया साल में नैनीताल घुमा दो, और मेरे ऑफिशियल से आया था, जो कि आप भी सब्सक्राइब कर सकते हो उसको। बता ही दीजिए ना, नहीं प्रमोट कर ही दीजिए। कर दीजिए, कर दीजिए, अपने चैनल को प्रमोट कर दीजिए भैया। डिंपल सिंह ऑफिशियल क्या है, सब जानता है आप। डिंपल सिंह ऑफिशियल को प्रमोट करिए भाई, सब्सक्राइब करिए, मैं भी कर दूंगा। हां, सब्सक्राइब करिए आप भी। सुनाइए। हां, मेरा एक गाना है फेवरेट पवन जी का है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। ना कौनो हाट ना बजरिया से होला,
ना कौनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग है नजरिया से होला, उमरिया के रोग है नजरिया से होला। समझे ना पौनी तोहर असली रादा, रूपवा के जाल में धरा गई नी दादा। वाकई में बहुत अच्छा आपने गाया और बहुत अच्छी आवाज की मालकिन हैं आप, ये कहना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं, बट गा लेती हूँ। प्रोफेशनल नहीं है फिर भी कितने लाइक सब्सक्राइबर हो गए जी? किसका? डिंपल एंटरटेनमेंट में? एंटरटेनमेंट नहीं, ऑफिशियल। डिंपल ऑफिशियल पे कितने हो गए? 6 लाख हो गए। वाह क्या बात है, बढ़ते ही जाएगी ये संख्या लगातार। ये बताएं कि खेसारी लाल यादव के साथ जब आपको गाना ऑफर हुआ, तो जब आपको खेसारी के साथ काम करने का मौका मिलता है, क्या चलता है सबसे पहले जहन में, क्या दिमाग में आता है? अभी तो ऐसा फैमिली टाइप का हो गया है खेसारी जी के साथ, क्योंकि हम लोग बहुत खुले मिले हैं और मतलब घर भी पास में ही है, हाँ बांगुर नगर पास में ही है, आना जाना रहता है। फर्स्ट टाइम मैं जब मुझे पता लगा कि मुझे खेसारी जी के साथ काम करना है, और छटका उस टाइम भी था, छटका ही समय था, तो मैं मनोज जी के साथ करके आई थी स्टेज शो, तो मुझे आया ऑफर कि खेसारी जी का एल्बम करना है, तो मैंने कहा अरे बाप रे खेसारी जी, क्योंकि उस टाइम अभी भी है, हाँ। तो मैं गई, तो मैं देखी, फिर मैं धक 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 हो रहा था, मैं क्या करूँ कैसे करूँ, लेकिन जब मिले तो मुझे लगा नहीं अपना ही बंदा है, मतलब सही है, अपना ही है, कंफर्टेबल जो तुरंत आ जाता है। हाँ तुरंत आ जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं स्टार है तो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट अभी तो फैमिली टाइप्स हो गया है कि नहीं घर के ये बंदा, कोई दिक्कत नहीं है, करते रहो काम, मतलब कितना भी करो कोई इशू नहीं है अभी, आपको ऐसा लगता है कि भाई सब ठीक ही ठाक है, बढ़िया चल रहा है, बहुत सेफ फील होता है और अच्छा भी लगता है काम करने, मजा भी आता है। पवन जी की बात की आपने, पवन सिंह साहब के साथ में लॉकडाउन में आपका सॉन्ग आया, क्या डिफरेंस दिखा दोनों स्टारों के बीच? दोनों स्टार डिफरेंस कुछ नहीं दिखा, अच्छे हैं दोनों, अच्छे, पवन जी भी बहुत अच्छे हैं और उनके साथ भी मजा आया काम करके। पवन जी का एक चीज़ है कि अगर आप सामने से बोलोगे तो ही बोलेंगे वो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं पवन सिंह ऐसे हैं वैसे हैं, मेरे नज़रिए से देखा जाए तो पवन सिंह बहुत अच्छे हैं, और अगर उनको आप पोक करोगे तो करेंगे ही, जाहिर सी बात है, आप नहीं करोगे तो नहीं करेंगे, वो तो मेरे लिए अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, हाँ मज़ा भी आता है उनके साथ भी, कम्फर्ट जोन है, मेरे को मज़ा आता है काम करने में। किस ग्रुप में हैं आप? मैं किसी ग्रुप में नहीं, मैं सब ग्रुप में, हमने तो सुना भाई भोजपुरी में ग्रुपिज्म चलती है, जब तक आप किसी ग्रुप के साथ ना हो तो आप बाहर चले जाएंगे अपने स्टारडम से। हाँ ऐसा चीज है कि ग्रुप्स होते हैं लोगों की, इस ग्रुप में है तो अपने मिल लेंगे, मतलब स्टार लोग ऐसा है कि अपने मिल लेंगे, लेकिन अगर आप चले गए तो आप क्यों चले गए, क्यों चले गए, हाँ क्यों चले गए आप क्यों काम किए, तो भैया अगर आप मिल रहे हो तो हम लोग का भी हक बनता है, हम लोग किसी के बंधुआ नहीं है कि हम आपके साथ ही काम करें, हमको जिसके साथ मन करेगा उसके साथ हम काम करेंगे, मेरा मानना है कि मैं हर किसी के साथ काम करूँगा, मैं किसी की बंधुआ नहीं हूँ कि नहीं भाई मैं इनकी बंधुआ हूँ, उनके बंधुआ, किसी की बंधुआ नहीं हूँ। ना आपके चेहरे से देख के लग रहा है काफी प्रेशर झेला है आपने। कभी आया था ऐसा कोई प्रेशर, किसी स्टार का कॉल आया कि तू उसके साथ क्यों घूम रही है, वहाँ काम नहीं करने का, या मेरे साथ मत दिखना? नहीं ऐसा कॉल तो नहीं आया था, लेकिन एक जन का वीडियो कॉलिंग आया था कि गई हो काम करने, ठीक है लेकिन देख लेना, हम नहीं ज़्यादा कुछ कहना चाहेंगे, और उनके साथ अगर हम काम कर लिए किसी सेकंड स्टार के साथ जो हैं वो, उनके साथ काम कर लिए तो एक स्टार नाराज़ हो जाएंगे, बोलेंगे कि ठीक है अपना काम बनता है, करो बाबू ऐसा करो ऐसा करो, फिर पीठ पीछे क्या बोलेंगे सबकी, अरे वो उसकी ग्रुप के, हम काम नहीं करना उसके साथ, उसकी ग्रुप की, ऐसा होता है बहुत ज़्यादा, अपने मिलेंगे अपने भाईचारा रखेंगे, अरे भैया लव यू भैया, तो ब्रदर मेरे, ये सब करेंगे, लेकिन अगर लड़कियाँ चली गई तो लड़कियों में ऐसा है कि आप क्यों चली गई, आप काम क्यों चली कर रही हैं उनके साथ, बहुत सारा ऐसा चीज़ है, बट हमारे लिए ग्रुप मायने नहीं रखता, हम जिसके साथ मन करेगा उसके साथ करेंगे। तो इसका आपको खामियाजा भुगतना नहीं पड़ा कभी? नहीं मुझे नहीं भुगतना, कोई नुकसान नहीं, ना ना जैसा काम चल रहा है ईश्वर की दया से चल ही रहा है, चल रहा है, क्योंकि हम किसी के पीछे और किसी के आगे जाके नहीं बोलते कि मुझे काम दीजिए मेरे साथ काम करिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ। अच्छा राजनीति भी नहीं हुई आपको, आपके साथ किसी फिल्म से निकलवा दिया गया, आपके गाने को कट कर दिया गया, किसी दूसरे सिंगर एक्ट्रेस को घुसेड़ दिया गया? अरे बहुत सारा राजनीति है इस लाइन में, बट मुझे किसी पिक्चर से नहीं निकाला गया, जिस पिक्चर में रहती हूँ मैं उस पिक्चर में रहती हूँ, बात खत्म। मेरा मेरे को ऐसा क्या है आपके पास, कोई गॉडफादर है? ऐसा नहीं,
कि गॉडफादर नहीं है, बट एक होता है कि मैं अच्छी हूँ, दिल की अच्छी हूँ भाई, मेरे साथ अच्छा ही होता है। ट्यूनिंग आपकी सबसे बहुत बेहतरीन बढ़ती है। हाँ मतलब किसके साथ है मेरा? सबके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी बनती अच्छी है, है। हाँ, ये बोल रहे हैं अच्छी है, मेरे सबके साथ अच्छी है। ऐसा नहीं है कि नहीं इनके साथ ज्यादा अच्छा है तो उनके साथ नहीं, सबके साथ है मेरा। गॉडफादर जो है बहुत जरूरी है भोजपुरी इंडस्ट्री में, आपको लगता है ऐसा? ऐसा नहीं है कि गॉडफादर होना बहुत जरूरी है, बट किसी किसी के लिए है कि और कि गॉडफादर हैं तो ये मेरा करेंगे तो ही मैं आगे जा पाऊंगी। लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिसका कोई नहीं है अपने दम पे है सब, तो मेरा तो कोई गॉडफादर नहीं है। सबसे बनती है आपकी? हाँ मेरी सबसे। झगड़ा किससे है? झगड़ा मेरा किसी से नहीं। कौन एक्ट्रेस आपको नहीं पसंद है? बहुत नॉटी है आप है, एक दो हैं बस। नाम बताएंगे? हम नाम नहीं बताना चाहेंगे लेकिन हैं बस जो कि मुझे पसंद नहीं है। नहीं है और बहुत सारे एक्ट्रेस को नहीं पसंद है वो। एक दिन का प्रधानमंत्री आपको बना दिया जाए तो क्या करेंगे फिर आप? बहुत कुछ कर दूंगी बट क्या, क्या बन नहीं पाऊ बन गई समझ लीजिए आप। एक दिन का तो इंडस्ट्री का जो भी आपके अभी जो आपको नहीं पसंद है? मुझे नहीं पसंद है जो कि राजनीति बहुत ज़्यादा होता है ना अपने इंडस्ट्री में भी, राजनीति बहुत ज़्यादा होता है कि अगर हीरो की हीरोइन है तो वही रहेंगी फिल्म में, कोई दूसरा नहीं आ सकता है, कोई तीसरा नहीं आ सकता है। और हीरोइंस का भी ऐसा होता है अगर पैचअप है, अगर उनका कुछ चल रहा है तो वो सेकेंड हीरोइन को एंट्री नहीं देने देंगे, वो बोलेंगी नहीं ये नहीं आना चाहिए वो नहीं आना चाहिए। अगर उनसे उनका बिगड़ गया तो उनके बारे में लाइव आके बोलेंगे कि बहुत मेरे साथ गलत किया, इंटरव्यू में आके बोलेंगे कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, इन्होंने ऐसे किया। बस आज उस टाइम नहीं बोलेंगे सब, जबकि दूसरे को निकलवाती हैं कि नहीं ये पिक्चर में नहीं रहना चाहिए, नहीं इनसे बात मत करिए, उस टाइम नहीं ये सबको वो लगता है, बुरा लगता है। बाद में लगता हाँ, जब अपने पे आती है तो होता है। डिम्पल आप जो है एक यंग स्टार के रूप में देखी जा रही हैं, अगर मैं पवन सिंह साहब, खेसारी लाल यादव साहब, दिनेश लाल यादव, निरहुआ साहब, इनको हटाऊं, साहब हैं सब ना, साहब क्यों बोल रहे हैं? तो हम पूछना चाहेंगे कि आप साहब क्यों बोल रहे हैं, मतलब रीजन क्या है? इस वजह से क्योंकि इनके नाम के आगे सुपरस्टार लगा है, काफी मेहनत की है इन लोगों ने, काफी फिल्में की हैं, अपने वजूद तक पहुंचने के लिए साहब बोलना बनता ही है। अच्छा सवाल मेरा ये है कि जो दूसरे दौर के अभिनेता चल रहे हैं जिसमें मैं अगर एंट्री करवाना चाहूँ, नाम लेना चाहूँ तो रितेश पांडे, ठीक है, प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू, यश कुमार, अरविंद अकेला, कल्लू, गौरव झा, तमाम एक्टर हैं, बुरा मत मानिएगा अगर मैं कोई नाम बिसर रहा हूँ, भूल रहा हूँ, तो क्या फर्क लगता है आपको? किस चीज में क्या फर्क लगता है? बड़े स्टारों और छोटे स्टारों के साथ काम करने में आपको लगता है कुछ बदलाव है, कुछ चेंज है सोच में, बहुत ज्यादा बदलाव है? कुछ चेंज नहीं लगता मुझे, तो ऐसा लगता है कि जो बड़े स्टार जैसा बिहेव करते हैं वैसा भी छोटा बड़ा तो कोई नहीं होता, सबसे पहले सॉरी, छोटा बड़ा तो कोई नहीं होता, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, सबका सेम ही सॉन्ग। पकड़ लिया अचानक दिमाग में आ गया सबका कहीं और जा रहा था रास्ता कहीं और नहीं, डिंपल रुक जा थोड़ा काम कोई छोटा बड़ा संभाल लिया। हां कोई छोटा बड़ा नहीं है मेरे लिए, सब सेम ही है। और गाना भी सबका सेम ही चलता है, ऐसा नहीं है कि इनका हिट है इनका लोग सुन रहा है तो इनका नहीं सुन रहा है, सबका सेम है, तो मेरे लिए कुछ नहीं है, मायने नहीं रखता कि नहीं ये अलग इनका बिहेवियर है उनका अलग है, सबका इक्वल रहता है। इक्वल रहता है आपको ऐसा कोई डिफरेंस जैसी चीजें नहीं समझ में आती है? मिला जुला के क्या आपकी नजरों से भोजपुरी इंडस्ट्री को देखना चाहते हैं हम? कैसी इंडस्ट्री? ठीक है, बढ़िया चल रही है? हाँ अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से बदनाम भी हो गया है। और अपने ही इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं जरिया मिलता है, फेसबुक, फेसबुक पे लिखना ही रहता है कि इन्होंने ऐसा कर दिया, जरूरी है, हाँ जरूरी है, इन्होंने वैसा कर दिया, तो खुद ही भोजपुरी के होके खुद ही भोजपुरी को बदनाम कर रहे हो, तो भैया काम क्यों कर रहे हो भाई, तुम मत करो ना काम भोजपुरी में, अगर ऐसा तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम अलग इंडस्ट्री में जाओ, मत करो भोजपुरी में। ऐसा लोग बोलता है कि हम भोजपुरी में काम करते हैं, अगर कोई थर्ड बंदा पूछता है किसी और इंडस्ट्री के पूछते हैं कि आप क्या करते हैं तो बड़ा शर्म फील होता है कि हम भोजपुरी में काम करते हैं, तो हम उन लोगों से कहना चाहेंगे कि जिसको शर्म फील होता है वो चला जाए, निकल ही जाए, बाहर ही चला जाए, क्योंकि जिसका रोटी आप खा रहे हो जिसकी वजह से आप हो उसको तो कम से कम ऐसा ना बोलो, और एक लोग बोलेगा तो सब लोग पीछे पड़ जाएंगे, भोजपुरी में ऐसा हो रहा है, भोजपुरी में बहुत सारे सॉन्ग्स एक स्टार गा रहा है तो सब वही गा रहा है, सब कर रहा है, तो
स्टार लोग को भी चेंज करना पड़ेगा कि हाँ अगर कोई एक सॉन्ग गा रहे हैं तो कोई थर्ड बंदा ना गाए, सेकंड बंदा ना गाए, क्योंकि बड़ा अजीब सा लगता है कि सब जैसे नहीं होता शेर कोई हो किसी के पीछे पड़ गया हो कि नहीं हमको नोच के खाना है, वाला सिस्टम हो गया है। बड़ी गंभीर विषय पर डिंपल ने बात कही है, इनके नजरिए से भोजपुरी इंडस्ट्री इस तरीके की है और आप ये बहुत बड़ा बदलाव देखना चाहती हैं, कुछ तुच्छ लोगों की वजह से जो हाँ, इंडस्ट्री बदनाम हो रही है वो बाहर हो जाए तो हाँ, बेहतर है, बेहतर है। हाँ, जो कि लोग बोल रहा है कि नहीं भोजपुरी में, अरे यार कोई पूछता है कि का क्या करते हो तो बड़ा शर्म फील होता है कि हम भोजपुरी में काम करते हैं, बहुत अजीब है भोजपुरी, ये है भोजपुरी, वो है, तो भैया भोजपुरी में काम ही मत करो ना, मत करो ना, मत करो अगर बुरा ही है, क्योंकि रोटी उसी का खा रहे हो आप, काम भी उसी में करना है आपको, गलतियाँ भी निकालना उसी का है कि भोजपुरी के लोग ऐसे हैं, भोजपुरी के लोग वैसे हैं, तो हमारा हमारा मानना है कि आप लोग प्लीज कृपया करके ऐसे लोग निकल जाइए, निकल जाइए। वाह, और इस बात के साथ ही इस वीडियो का समापन करते हैं। डिंपल आपके फैंस हैं, तमाम दर्शक हैं। हाँ, तो बस हो गया, हम लोग फर्स्ट इंटरव्यू था हमारे धर्म जी के साथ, और धर्म जी कैसा लगा आपको मेरे साथ इंटरव्यू करके? बड़ा मज़ा, एकदम बेबाक बातें आपने हमारे साथ की हैं और बहुत ही मुद्दे की बातें आपने की है, बहुत ज़रूरी है आप हाँ, जैसे कलाकार लगातार आएँ और कुछ ना कुछ संदेश जो है एक सलाह के रूप में आप ज़रूर लोगों तक पहुँचा दें, और मुझे लगता है कि जो आप बातें कहना चाह रही हैं, जो इशारा करना चाह रही हैं, वो सामने वाले तक पहुंच भी रहा है। हाँ, ठीक है, मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा है, बट जो हकीकत है वो मैंने कहा है, और मुझे ऐसा नहीं कि किसी के बारे में टिप्पणी करना है कि नहीं वो ऐसे हैं वो ऐसी हैं, किसी के बारे में कुछ नहीं कहना, जो है सही है, बस भोजपुरी के बारे में कुछ ना बोलो। नहीं तो समझदार को इशारा ही काफी है। इस वीडियो का यहाँ पर समापन करते हैं। डिंपल से आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वादा करते हैं कि इनके जवाब आप तक हम पहुंचाएंगे। आप देंगे जवाब जी? हाँ देंगे, जरूर देंगे, और अगर कुछ भी रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप जाके बोलिएगा कि ऐसा है वैसा है, हम जरूर फिर नेक्स्ट इंटरव्यू में रहेंगे साथ में। चलिए ठीक है, तो नमस्कार, हर हर महादेव। थैंक यू। हेलो नमस्ते, मैं हूँ डिंपल सिंह और आप लोग देख रहे हैं देसी भारत। और भी सारे स्टार्स का अगर इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और बहुत सारा शेयर करिए और कमेंट्स में बताइए कि कैसा लगा सबका इंटरव्यू। थैंक यू।